करनाल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नकली फौजी को काबू किया है। पुलिस द्वारा इस शख्स से सख्ती से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि आर्मी की वर्दी को अंबाला रेलवे स्टेशन से रेल में से चोरी कर यह फौजी बन गया था। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण पूरे करनाल में करनाल पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाकेबंदी करके गहनता से जांच की जा रही है। इसी के चलते करनाल पुलिस द्वारा सेक्टर 4 नाके पर गहनता से जांच की जा रही थी। उसी समय फौजी की वर्दी पहने एक व्यक्ति नाके से गुजर रहा था, जो देखने में भी फौजी ही प्रतीत हो रहा था। सेक्टर 4 नाका इंचार्ज मुख्य सिपाही रोहतास व उनकी टीम को इस वर्दीधारी व्यक्ति पर शक हुआ तो उनके द्वारा इस व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान खुलासा हुआ कि नकली फौजी है। बता दें कि पुलिस कर्मचारियों के आईडी मांगने पर वह अपनी व फौजी किसी की भी आईडी नहीं दिखा पाया, जिसने आर्मी की वर्दी को अंबाला रेलवे स्टेशन से रेल में से चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शहर करनाल में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रबंधक अफसर थाना शहर निरीक्षक हरजिंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा अपना नाम राकेश बताया गया। पहले तो यह अपने आप को हिमाचल का रहने वाला बताता रहा, लेकिन इसके पते की जांच करने के बाद यह व्यक्ति थाना दूरी जिला संगरूर पंजाब का रहने वाला पाया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से 2 फुल यूनिफॉर्म किट, 1 टोपी, 2 विसल व विसल जोरी और 1 एम्यूनेशन बेल्ट पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। पंजाब का दूरी का, और पंजाब से कहाँ जा रहे थे? पंजाब से मैं इधर आया अंबाला में, इधर जाना था मेरे को कोंडा साहब हो गए। करनाल कैसे आना हुआ? करनाल तो मैं नशे में आ गया, मैं जाना था जमुनानगर, जमुनानगर से कोंडा साहब जाना था। तो इतनी वर्दियाँ कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये वर्दी तो चोरी की थी मेरे पास। कहाँ से चोरी की थी? अंबाला में खड़ी थी 1 महीना पहले। कोई और ग्रुप तो नहीं है आपका? और नहीं कोई। काम क्या करते हो? चोरी करता हूँ मैं। तो बड़ी खबर है, नाकाबंदी है, जो कि नाकाबंदी के अकॉर्डिंग हमारा सेक्टर 4 में एक नाका लगा हुआ था, जहाँ पर आज एक शख्स जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म में था और यूनिफॉर्म डालकर और जा रहा था और बैग उठाया हुआ था, जिसे हमारे नाके वालों ने खड़ा करके पूछताछ की, तो उसकी पूछताछ में कुछ ऐसे लगा कि जैसे ये कुछ सच्चाई नहीं बता रहा। जो गहनता से उसके साथ पूछताछ करने से या उसको आईडी दिखाने के लिए बोला तो वो अपनी कोई भी आईडी नहीं दिखा पाया, और जब उसे बिठाकर बारीकी से पूछा तो उसने ये बताया कि ये वर्दी उसने किसी मिलिट्री मैन की ट्रेन में से चोरी की हुई है और लॉकडाउन के कारण वो वर्दी को यूज़ करके चल रहा है, उसे कोई रोक नहीं रहा नाकों वगैरह पर, जो कि और उल्टा पब्लिक वाले इसको सम्मान दे रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस चीज़ का मिसयूज़ करते हुए इसको यहाँ पकड़ा गया है। और इसने बताने में अपना एड्रेस हिमाचल का बताया, ये हिमाचल से आ रहा था, पर जो कि सब झूठ निकला। बाद में गहनता से जैसे पूछताछ की गई तो ये धुरी पंजाब में जो एक धुरी का रहने वाला है, जिसका नाम राकेश है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.